हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम गुफरान और आप देख रहे हैं गुफरान टेक सोलो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा है मोटर के ऊपर। तो आज हम मोटर को सर्विस करने वाले हैं और उसे बिल्कुल क्लीन करके आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मेरी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखना है, आपको पूरी वीडियो देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए, ताकि आपको सही से जानकारी मिल पाए। वीडियो आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले 5 नंबर की एक एलेंकी और एक स्प्रिंग ले लेना है। तो दोस्तों इसमें 5 एलेंकी नट लगे हुए होते हैं, तो हम अपनी एलेंकी से सारे 5ों नटों को आसानी के साथ खोल लेंगे। तो दोस्तों हमारे नट में बहुत ज़्यादा मिट्टी भरी हुई है, तो हम इसे स्प्रिंग के सहारे मिट्टी को साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद एलेंकी से इसे खोल लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने मोटर को खोल के बाहर निकाल लिया है और इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई है और कचरा लगा हुआ है, क्योंकि इसमें मोबिल का रिसाव हो रहा था और मोबिल की रिसाव की वजह से मिट्टी और इसमें बैटरी का पानी जम गया है। और इसे हम पूरी तरह से अभी क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें लगे हुए पेंच को पेचकस के सहारे से खोल लेंगे। तो दोस्तों हमने इसका नट खोल के इसका कवर बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों इसमें एक लॉक लगा हुआ होता है पंखे के ऊपर, तो हम सबसे पहले पंखे के ऊपर की लॉक को हटा लेंगे और उसके बाद पंखे को बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी मिट्टी को साफ़ कर लेते हैं जो नट में लगा हुआ है। तो दोस्तों हमें 8 नंबर गुटका और टामी ले लेना है और उसी की मदद से इसमें लगे हुए नट को आसानी से खोल लेना है। तो दोस्तों इसका हमने सारा नट खोल लिया है, अब इसके बाद इसका हम कवर बाहर निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसे एक पेचकस की मदद से इसका पीछे वाला कवर ठोक के बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भर गया था और ऑयल इसका गाढ़ा भी हो गया था, बिल्कुल जम सा गया था, और इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी का एवरेज भी कम हो जाता है। अब दोस्तों इसका मैग्नेट हम पहले बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसकी अच्छे से साफ सफाई करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे भी देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक तसला और एक ब्रश ले लेना है और फिर हम इसी की मदद से अपनी मोटर को पेट्रोल से साफ़ करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने 0.5 लीटर पेट्रोल ले लिया है और इसी पेट्रोल से हम इसको क्लीन करने वाले हैं।
तो दोस्तों हमने मोटर को बिल्कुल क्लीन कर लिया है, इसी तरह आपको भी पूरा क्लीन कर लेना है। दोस्तों अब हमने इसे पूरी तरह से क्लीन करके धो लिया और इसे कपड़े से हम साफ कर लेंगे, उसके बाद इसे फिर फिट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम सेंसर को बाहर निकाल लेंगे और उसे बाहर निकालने के बाद उसे अच्छी तरह से चेक कर लेंगे, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले मीटर से इसे चेक कर लेंगे, इसमें सेंसर ख़राब है या नहीं है। अगर ख़राब है तो हम इसे चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम मीटर को सेट कर लेंगे कि हमें कहाँ पर चेक करना है। हमें सबसे पहले अपने मीटर को 20 वोल्ट पे सेट कर लेना है और उसी से सेंसर को चेक करना है। तो दोस्तों हमने सेंसर को चेक कर लिया है, हमारा सेंसर खराब है। तो दोस्तों हमें एक बोंड ले लेना है और यही बोंड लगा के हम मोटर को बांधने वाले हैं, क्योंकि मोटर में जो पानी चला जाता है या रिसाव अंदर चला जाता है, अगर हम ये बोंड लगाएंगे तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसका सेंसर चेंज कर लिया है और हमें ले लेना है 3 टाई और सेंसर को अंदर लगा के टाई लगा के हमें अच्छे से फिट कर लेना है, ताकि चलते हुए मोटर सेंसर बाहर ना निकल जाए। काफ़ी लोगों का क्या होता है, वो सेंसर तो लगा देते हैं पर उसमें टाई नहीं लगाते, तो क्या होता है उसे सेंसर बाहर हमारा निकल जाता है और गाड़ी रास्ते में ही खड़ी हो जाती है। दोस्तों हमने इसमें बोंड लगा लिया है और बैरिंग का कॉलर बाहर निकाल के हम बैरिंग के अंदर अच्छे से ग्रीस भर लेंगे, ताकि हमारी बैरिंग चलते वक्त आवाज़ ना करे। We'll be right back.
दोस्तों हमने इसे पूरी तरह से फिट कर लिया है, अब इसकी पारी है चेक करने की, तो चलिए चेक कर लेते हैं। दोस्तों हमारी मोटर चेक हो चुकी है और अब पूरी तरह से रेडी है चलने के लिए, तो अब इसे हम फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।